So got an expression that is mu 0 upon 4 pi m upon r cube into square root of 3 cos square theta plus 1. And when it comes to alpha, tan alpha will be equal to half tan theta. Yeah, alpha will be tan inverse of half tan theta. Right? And I have given one numerical. I hope sabne solve kiya hoga and you got an answer. अच्छा मिला है आपको आंसर? नो सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नो सर। किसी को भी नहीं आया? नो सर। ठीक है चलेगा, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैग्नेट था जिसका मैग्नेट M है, एक पॉइंट P था, दूसरा पॉइंट Q, एंड ये सेंटर है, इधर से इधर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बोला था मैंने, एंड इधर से इधर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इधर मैग्नेटिक इंडक्शन B1 एंड इधर B2, तो मैंने बोला था कि B1 अपॉन B2 का वैल्यू 12.5 है, तो आपको देन फाइंड 2L ऐसा कुछ क्वेश्चन, राइट बच्चा? यस ठीक है फाइन। अच्छा देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, इसका जनरल फॉर्मूला ये है एक्सिस का, B is equal to mu 0 upon 4 pi, it is 2mr upon r square minus l square the whole square. ये तो फॉर्मूला याद है आपको? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे हम लोग, B1 upon B2. तो ऑब्वियसली mu 0 upon 4 pi तो कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों पॉइंट के लिए, रेशियो निकालेंगे तो एक कैंसिल होगा, टू कैंसिल होगा, एम भी कैंसिल होगा क्योंकि एम भी सेम है, राइट? तो ऊपर आएगा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। बच्चा बराबर लिखा मैंने? नीचे आएगा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बी वन अपॉन बी टू तो 12.5 है, इक्वल टू, बच्चे ऊपर आएगा ना ऊपर, तो ये उल्टा हो जाएगा। यस, सो वी विल हैव, उल्टा होगा मतलब वी विल हैव आर वन अपॉन आर टू इनटू, ये ऊपर गया तो आर टू का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, एंड नीचे आएगा आर वन का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। देख लो बच्चा, बच्चे इधर तक समझा? यस यस ठीक है। 12.5 व्हाट इज आर वन बच्चा? 10 है। व्हाट इज आर टू? 20, तो 1/2 होगा। आर वन 10 है, आर टू 20 है, तो 10 अपॉन 20 तो 1/2 होगा इनटू जो बचेगा, सो इट इज 20 का स्क्वायर। सर हाँ बोलो बच्चा। सर वो सेंटीमीटर में है ना, तो उसको मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है? यस बच्चा सुनो, 0.1 और 0.2 आएगा। हाँ सर, 10^2 कट हो जाएगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, जब आप वैल्यू मीटर में लेंगे तो आंसर मेरे को मीटर में आएगा, बराबर है? लास्ट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, हम लास्ट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, सो क्योंकि मेरे को सेंटीमीटर लेना ही ठीक लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा वो, क्योंकि जब मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10^-1 ऐसा सब आएगा, सो उसको अवॉइड करने के लिए मैं सेंटीमीटर में ही लूंगा, तो याद रखना मेरे को आंसर सेंटीमीटर में आएगा। सो माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, and this will become 10 square minus l square the whole square. बच्चे बराबर है? Yes. बच्चे 2 इधर गया तो क्या होगा बच्चा? 25 होगा। 25 तो ये होगा 400 minus l square the whole square, नीचे आएगा 100 minus l square the whole square। बच्चे इधर समझा इतना? Yes. अभी क्या करो बच्चा, ये 25 है और ये स्क्वायर का टर्म है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ऑब्वियसली 5 होगा,
स्क्वायर रूट बच्चा स्क्वायर रूट समझता है ना 20 फाइंडिंग है 12.5 ये 2 हवा में ये 2 इधर जाएगा ना बच्चा तो 12.5 इनटू 2 कितना होता है 25 इनटू 2 कितना होता है 25 होता है ना यस तो स्क्वायर रूट निकाला दोनों साइड में तो ये 5 होगा एंड ये होगा 400 माइनस एल स्क्वायर और नीचे रहेगा 100 माइनस एल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायरिंग में यू नो स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट में तो क्या होता है यस क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे 500 माइनस 5 एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर तो अल्टीमेटली ये इधर जाएगा 400 तो 100 बचेगा एल 5 मिला एंड 5 एल स्क्वायर इधर आएगा तो 4 एल स्क्वायर होगा 5 सेंटीमीटर आपको अभी बोल रहे हैं तो आप मीटर में करना है तो 10⁻¹ मीटर है बच्चा क्लियर है यस यस लिख लो बच्चा लिख लो ओके ठीक है इफ इट इज डन रब कर रहा हूं बच्चा क्योंकि अभी तो एक बार मेथड समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आप सॉल्व कर पाएंगे सर 2 मिनट सर ओके डन सर ओके तो आई होप सबका हो गया सर डाइपोल एक्सिस का डेफिनेशन लिखा एक बार बताओ ना सर कौन सा बच्चा डाइपोल एक्सिस एक्सिस का डेफिनेशन है कि डाइपोल का डेफिनेशन मैं सर आज मैम ओरल में पूछ रही थी डायपोल एक्सिस मतलब क्या क्वेश्चन था बच्चा वो नहीं था
एक्सिस का हो सकता है डेफिनेशन, डाइपोल एक्सिस। नो मैम, और सर इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस के पूछ रही थी, मतलब जो दो चार्ज के बीच में से जाएगा और जो एक्सियल लाइन है वो उसके अक्रॉस जाएगा। हाँ यस, डाइपोल एक्सिस मतलब दो लाइन जॉइनिंग, दो चार्जेस को जॉइन करता है। और एक्सिस उससे पास होता है, उससे पास होता है डाइपोल एक्सिस से। यस, मतलब डाइपोल एक्सिस इट इज द लाइन व्हिच विल जॉइन बोथ टू चार्जेस, ऐसा बोल रहे हो डाइपोल एक्सिस? यस यस यस। और एक्सिस जो है इट इज द लाइन व्हिच विल पास थ्रू बोथ द पोल्स, मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा ऐसा? इक्वेटोरियल एक्सिस से तो ऑब्वियसली अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि जो वो जो पॉइंट है मतलब इक्वेटर से पास होता होगा। एक्सिस इक्वेटर से पास, नहीं 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 नहीं, ए लाइन विच विल पास थ्रू इक्वेटर। यस, ए लाइन विच विल पास थ्रू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर इक्वेटोरियल एक्सिस करके ऐसा कुछ टर्म आता नहीं है मैग्नेटिज्म में, बिकॉज़ आई हैव नॉट कम अप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अब मैंने थोड़ी डिफाइन किया आपको इक्वेटोरियल एक्सिस। क्योंकि एग्जाम में तो सिलेबस के हिसाब से तो एक्सिस और इक्वेटर ये दो ही आ सकते हैं। फाइन, एनीवे तो आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ते हो ना बच्चा, और टेक्स्ट बुक में तो यही दो वर्ड दिया है ना। यस सर, नहीं मिल रहा था इक्वेटोरियल एक्सिस में। ठीक है, एनीवे इक्वेटोरियल एक्सिस एक ही होता है जो डाइपोल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है उसको इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटर इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब वो इक्वेटर का ही बात करते होंगे शायद। यस यस वही इक्वेटर ही वो डाइपोल एक्सिस से परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होता है डाइपोल एक्सिस। मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस जो है तो अल्टीमेटली वो इक्वेटर से पास होता रहेगा। यस राइट, यस सर। तो एनीवे बच्चा इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइपोल एक्सिस मेरा हिसाब से जिससे पार्ट ऑफ एक्सिस है, जो जनरल एक्सिस है उसका पार्ट ही है, राइट? एंड आपको क्वेश्चन आया तो डाइपोल एक्सिस करके कभी नहीं आएगा, दे विल आस्क एक्सिस ओनली। इज इट क्लियर? यस यस यस। एंड इक्वेटरल एक्सिस नहीं पूछेंगे, तो विल आस्क इक्वेटर ओनली, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में जो टर्म मेंशन्ड है वही पूछेंगे। इज इट क्लियर? यस। ओके फाइन, fine then. Next is Gauss theorem of magnetism. So don't you think we have studied Gauss theorem in electrostatics? Yes. Yes.
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम क्या बोलता है बच्चा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू q enclosed अपॉन एप्सिलॉन जीरो. याद है ना आपको? यस यस सर. मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. मतलब उसका अंदर जितना चार्जेस होगा उसका अल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा एंड अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा. बराबर ना? ये पढ़ा था ना बच्चा? Yes. अभी मैग्नेटिज्म में क्या होगा? जब हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलता है बच्चा जीरो. क्या मिलता है? जीरो. अभी हमको डिस्कस करना है कि क्यों जीरो मिलेगा, राइट? सो गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म इट स्टेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, सो आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो, राइट? सो थ्रू ए क्लोज्ड गॉशियन सरफेस इज इक्वल टू जीरो. बच्चा एकदम सिंपल स्टेटमेंट है. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉशियन सरफेस इज इक्वल टू जीरो. मतलब क्या होगा इसके हिसाब से? फ्लक्स को हम लोग फाई लिखते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक है तो ऑब्वियसली ही लिखता था, तो ये मैग्नेटिक है तो बी लिखूंगा मैं. सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार. तो अल्टीमेटली ई का बदले में हम लोग बी लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में ऑब्वियसली यू गोइंग टू हैव बी एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो. सो दिस स्टेटमेंट नहीं समझा सर. गॉशियन सरफेस मतलब? यस सर, गॉशियन सरफेस मतलब, गॉशियन सरफेस मतलब जो क्लोज्ड सरफेस हम लोग लेते हैं उसको ही गॉशियन सरफेस बोलते हैं. ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉशियन सरफेस इज इक्वल टू जीरो. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू बोलो या ओवर ए क्लोज्ड सरफेस बोलो इज इक्वल टू जीरो. जो क्लोज सरफेस हम लोग लेते हैं ना उसको हम लोग गॉशियन सरफेस बोलते हैं. तो फॉर टाइम भी वो जो क्लोज्ड सरफेस हम लोग लेते हैं, क्लोज सरफेस, राइट, उसको हम लोग गॉशियन सरफेस बोलते हैं. सो देयर इज नो नीड टू पैनिक या कंफ्यूजन लेने का जरूरत नहीं है. क्लोज सरफेस जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गॉशियन सरफेस, राइट? जब मैं उसको अभी यू नो एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो हम लोग पहला मैग्नेट कंसिडर करेंगे. सो विल कंसिडर ए मैग्नेट. सो विजुअलाइज करो एक मैग्नेट, राइट? तो मैग्नेट है तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू हैव टू पोल्स, एक होगा नॉर्थ एंड दूसरा होगा साउथ. तो अभी बताओ इसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है कैसे जाता है बच्चा? नॉर्थ टू साउथ. एग्जैक्टली, नॉर्थ टू साउथ जाता है. वेरी गुड. सो इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दिस विल बी द मैग्नेटिक लाइंस, राइट? थोड़ा डायग्राम बनाते वक्त सिमेट्री रखना. ऊपर जो यू नो ऊपर का जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो थोड़ा बहुत नीचे का लाइन्स ऑफ फोर्स है सिमेट्रिक होना चाहिए, लाइक कोइंसाइड तो होना नहीं चाहिए, लाइक दिस, है ना? ऐसा ही रहेगा ना लाइन्स ऑफ फोर्स? यस सर. ठीक है, सो लाइन्स ऑफ ऐसा रहेगा, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, मैग्नेट का सराउंडिंग में एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करेंगे. किसको इमेजिन करेंगे बच्चा?
क्लोज द सरफेस राइट. सो विजुअलाइज करो ये क्लोज सरफेस लाइक दिस. बच्चा आपको तो रेक्टेंगुलर दिखेगा वो, बट एक्चुअली वो समझ रहे ना क्लोज दे तो ऑलमोस्ट उसको एनक्लोज करता है, 3D डायग्राम है. सो दिस विल बी द गॉशियन सरफेस राइट, एंड दिस विल बी द मैग्नेट या बार मैग्नेट है, and no doubt this will be magnetic lines of force. Fine bache, is it clear? Itna samajh mein aaya? Yes sir. Yes theek hai. Matlab it is like, you know, aap samajh sakte hai ki ye magnetic box ka andar hai aur wo box closed Gaussian surface hoga. Bache samjha, magnet ek closed box mein hai और वो क्लोज्ड जो ब्लॉक्स है उसको हम लोग गॉशियन सरफेस बोलेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, अभी बच्चे ध्यान से सुनो. ये साइड में जो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहे हैं, डोंट यू थिंक उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स दूसरे साइड में अंदर जाता है? यस यस. इसका मतलब मैं ये तो डेफिनेटली बोल सकता कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग एंड लीविंग आउट from this closed surface, don't you think they are equal? Yes, equal. Yes, the number of magnetic lines of force. So इधर से बाहर आ रहे हैं, right? And इधर से अंदर जा रहे हैं, तो force entering, right? And leaving the closed surface. Leaving out of closed surface are equal. बच्चे कुछ समझ में आया आपको? ये समझ में आया बच्चा? मतलब जितना yes, बाहर yes. आता है उतना ही अंदर जाता है. तो अभी बताओ टोटल फ्लक्स कितना रहेगा? जीरो. जीरो. जो अंदर आता है उसको आप प्लस लेंगे, जो बाहर जाता है उसको माइनस लेना पड़ेगा, या जो बाहर आता है उसको प्लस लेंगे और जो अंदर आता है उसको माइनस लेना पड़ेगा. तो इधर जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर आ रहा है, तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो गया बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स? जीरो. तो कंक्लूजन यही है दस. तो टोटल the total magnetic flux associated bolo ya linked bolo, so linked with closed surface is equal to zero. That's it. I hope it is very clear. Bacha samajh mein aaya sabko? Yes, sir. Yes. तो इससे कंक्लूज क्या कर सकते हैं कि मैग्नेट में बच्चा सिंगल पोल का भी एग्जिस्ट होता है क्या? नो सर. मतलब हमेशा दो पोल एग्जिस्ट होता है. दो पोल एग्जिस्ट होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चा? जीरो होता है. जीरो. अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करूंगा. सो वी कैन हैव ओनली पॉजिटिव चार्ज. तो इधर गॉशियन सरफेस मैंने बनाया, क्लोज्ड स्पीयर या स्पीयर बनाया, तो लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर ही आता है. तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, तो लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर आता है, तो ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट होता है. बट मैग्नेटिज्म में जब मैं क्लोज सरफेस ले लूंगा तो आपको एक ही पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ आता है. तो जितना बाहर आएगा उतना ही अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली फ्लक्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा. इजी? Yes. So Gauss theorem of magnetism ये बोलता है, in magnetism isolated magnetic pole
मैग्नेटिक पोल पोल डज नॉट एग्जिस्ट राइट या इट विल नेवर एग्जिस्ट एंड इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल दैट्स इट It will always exist in dipole. I hope it is very clear. Any doubt? No. बच्चे समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्योंकि डाइपोल आता है सो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर आएगा उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जाएगा तो अल्टीमेटली फ्लक्स जीरो होगा लिख लो बच्चा हो गया सबका यस हाँ जिसका नहीं हुआ कंप्लीट कर लो बच्चा Done, sir. Okay. Fine then. सुरभ कर रहा हूं बच्चे इसको
Fine then. So next it is earth magnetism. Your earth's magnetism. So इसको हम लोग जियो मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं. अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म. एक तो जियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, नहीं तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म बोलते हैं. अभी लॉजिक क्या है बच्चा? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, राइट, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है. अभी हर एक पॉइंट में जब मैं मैग्नेटिक नीडल को लेके जाता हूं, हर एक पॉइंट में डिफ्लेक्शन चेंज होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल ऐसा दिखा रहा है, तो ये पॉइंट में उसका डिफ्लेक्शन चेंज होता है. इधर लेके आएगा तो डिफ्लेक्शन और चेंज होता है. तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू चेंज. एंड आपको पता है नीडल डिफ्लेक्ट अलग अलग दिखाता है, तो दिखाता है मतलब उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है और टॉर्क वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है. एंड मैग्नेटिक नीडल के ऊपर टॉर्क कौन एक्ट होगा या कब एक्ट होगा? जब उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. इसका मतलब जब मैं अर्थ का सरफेस पे मैग्नेटिक नीडल को लेके जाता हूं, देयर इज समबडी हु इज प्रोड्यूसिंग अदर मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट में आपको डिफरेंट डिफ्लेक्शन मिलता है, राइट. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है अल्टीमेटली वो अर्थ होगा. क्या होगा बच्चा? अर्थ, राइट. मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ डेफिनेटली हर एक जगह अलग होगा. इसके लिए टॉर्क अलग होता है और टॉर्क अलग है तो डिफ्लेक्शन भी अलग होता है, राइट. मतलब पीपल रियलाइज या साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम गिलबर्ट है, उन्होंने पहला प्रिडिक्ट किया कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट. क्योंकि उनको पता चला कि जब मैं नीडल को अलग अलग जगह लेके जाता हूं तो डिफ्लेक्शन चेंज होता है, राइट. अभी ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है उसको ऊपर बहुत सारा थीसिस है. थीसिस मतलब कुछ थियरी से जो प्रूव नहीं किया गया है, प्रिडिक्शन है. मतलब अभी तक हम लोगों को पता नहीं कि अर्थ क्यों मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, राइट. सो एक थीसिस ये है, किसी ने बोला कि अर्थ का सेंटर में एक बार मैग्नेट है, राइट. और वो बार मैग्नेट का वजह से अर्थ इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. सो ऑब्वियसली हम लोग अर्थ को डिग करके देख नहीं सकते, बट थोड़ा टाइम का बाद एक साइंटिस्ट ने बोला कि अर्थ का सेंटर में मैग्नेट नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ का सेंटर में टेम्परेचर एकदम हाई रहता है. तो टेम्परेचर हाई रहता है तो अल्टीमेटली दे फाउंड दैट एट द सेंटर ऑफ अर्थ देर विल बी हेवी मेटल्स. हेवी मेटल्स होगा लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, राइट. तो हेवी मेटल्स एकदम हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई टेम्परेचर पे है तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट मतलब समझ रहे हो ना बच्चा? लिक्विड स्टेट पे रहेगा, लिक्विड. यस यस. इट इज एस्टिमेटेड दैट इट इज द टेम्परेचर इज अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस है. तो आप समझ सकते हो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो पानी ऊपर नीचे जाता है. yes. अभी इतना हाई टेम्परेचर में ऑब्वियसली जो मटेरियल का मॉलिक्यूल्स होगा या एटम्स होगा वो आयनाइज होगा. तो आयन्स होने का वजह से वो चार्ज हो जाता है, राइट. एंड चार्ज मूव होता है, राइट. सो एटम्स आयनाइज होके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फॉर्म करेगा एंड वो हाई टेम्परेचर की वजह से मूव होता है. सो इट विल प्रोड्यूस ए करंट एंड दैट करंट विल प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ रहा है? ये सेकंड थीसिस है जो एक्सेप्टेड है. उन्होंने बोला कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हेवी मेटल्स तो है और टेम्परेचर एकदम हाई है. बच्चा किसी का तो माइक, प्रतीक आपका माइक ऑन है बच्चा? प्रतीक काले, फाइन. सो बच्चे ये एक थीसिस है जो एक्सेप्टेड है. तो सबको लगता है कि इधर हेवी मेटल्स है, हाई टेम्परेचर है, मोल्टन स्टेट है. सो डेफिनेटली मोल्टन स्टेट में जो यू नो हेवी मेटल्स का जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयोनाइज होके दे स्टार्ट मूविंग. सो इफ दे मूव अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस करंट एंड दैट कल यू नो
नो करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. बच्चा समझ में आया सबको? यस यस. मतलब अभी तक किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, राइट? ये एक एक्सेप्टेड थीसिस है, साइंटिस्ट को लगता है कि ये पॉसिबल है. अभी आप बोलेंगे सर ये क्यों टेस्ट नहीं किया? बच्चा ये टेम्परेचर में कौन जाना चाहेगा? बच्चा 1300 डिग्री सेल्सियस, इफ यू सेंड एनी इंस्ट्रूमेंट वो तो मेल्ट हो जाएगा, राइट? सो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते. क्लियर? सो अभी फिजिक्स का ये जो ब्रांच है जिधर हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं. इज इट क्लियर? यस. सो द ब्रांच इन फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ Earth is called geomagnetism. Otherwise, it is called as earth magnetism. Otherwise, it is called terrestrial magnetism. बहुत सारा वर्ड है, राइट? बच्चा जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म का बात करते हैं, सो अल्टीमेटली उसका हम लोग पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिकॉज देर आर सम बेसिक टर्म्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो मैं सर्कल बना लेता हूं बच्चा. सर कैमरा ऑफ. यस सर ऑफ कर दिए, क्योंकि सर्कल बनाने में डेफिनेटली टाइम लगेगा. फाइन देन. सो सर्कल देखेंगे अभी. अभी दिख रहा है बच्चा? Yes, yes, sir. Yes. So, I hope थोड़ा बहुत ज्यादा ही अच्छे से आ गया है सर्कल, ठीक है? So, जब भी ये जो अर्थ है बच्चा, जो एक्सिस पे रोटेट होता है, जो एक्सिस पे रोटेट होता है उसको हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, राइट? सो जिधर हम लोग का ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो सब ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ है, ठीक है? So first हम लोग वो बनाएंगे. So this is going to be the axis जिसका इधर वो rotate होता है. सर क्या rotate हो रहा है? अर्थ बच्चा, अर्थ घूमता है ना. अर्थ स्पिन नहीं होता है क्या बच्चा? यस होता है. हाँ वो स्पिन का बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब अर्थ क्या होगा, 365 डेज रेवल होता है, वो ऑर्बिटल मोशन है. 24 रात और यू नो डे एंड नाइट होता है ना, वो स्पिन मोशन है, उसका बात हो रहा है, ठीक है? सो ये एक्सिस पे वो घूमता है, राइट? सो ये इसको हम लोग, ये जो पॉइंट है ना बच्चा, उसको हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चा? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. ये तो आपको पता ही है. यस सर. सो जी एन पोल, तो इनके साथ भूल गए तो पूरा लिख लेता हूं, चलो. सो इट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. So I'll write it as NG. बच्चा NG लिखा, तो इसका मतलब है geographic north pole है. Is it very clear बच्चा? Yes. Yes.
तो ये क्या होगा बच्चा, ये वाला ज्योग्राफिक साउथ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल। गुड बच्चा, वेरी गुड, ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो इसको लिखेंगे हम लोग एस जी, क्या लिखेंगे बच्चा, एस जी। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, अभी हम लोग जब बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक नीडल को जब लोग अर्थ पे मूव करते हैं, अर्थ का उधर, देन इट इज ऑब्जर्व दैट जो लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब एग्जैक्टली ये जो नॉर्थ एंड साउथ से नहीं, यू नो डिफरेंट पॉइंट्स है, मतलब ये पॉइंट्स है, ये बाहर आता है राइट, एंड ये पॉइंट्स है अंदर जाता है। बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब मैं नीडल को इधर रखता हूं ना, तो नीडल मेरे को ये साइड में दिखाता है, मतलब लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है। जब इधर रखता हूं नीडल इधर दिखाता, तो लाइन ऑफ फोर्स इधर से जा रहा है, इधर रखता हूं तो ऑब्वियसली अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, yes. तो इसका मतलब इधर से लाइन ऑफ फोर्स बाहर आता है लाइक दिस, एंड इधर अंदर जाता है। क्लियर? सो आई कैन शो इट लाइक दिस। This will be the direction. Clear up to this much? Yes. South to north जाएगा। हाँ बच्चे रुको ना बच्चा, अभी हम लोग इतना ही देख रहे हैं कि lines of force किधर से किधर जा रहे हैं, उसके बाद एक-एक step पढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है? Lines of force इधर है, ये direction। Yes. क्योंकि क्या है, हर एक टर्म बोलते बोलते बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, स्लोली पढ़ते जाएंगे ताकि समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इधर से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है। क्लियर बच्चा? यस सर। तो इतना ही पक्का कि जो पोल्स है, मतलब अर्थ का जो पोल्स है, ये दो पॉइंट का इधर है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इमेजिनरी मैग्नेट को विजुअलाइज कर सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं एक मैग्नेट है राइट, एंड इसका मैग्नेट एग्जैक्टली इधर रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी, इधर एक मैग्नेट होगा जिसका नॉर्थ पोल बच्चे, जो मैग्नेट मैं बता रहा हूं ना, ये इमेजिनरी है, ध्यान से सुनो, दिस इज इमेजिनरी। समझ में आता है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस यस। ठीक है, फाइन। तो अभी बच्चा इधर से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है, तो अल्टीमेटली ये नॉर्थ पोल होगा। यस यस। एंड इधर से अंदर आता है तो ये क्या होगा बच्चा? साउथ पोल। साउथ पोल। क्लियर अप टू दिस मच? यस यस। ठीक है, अभी क्या है हमारा, ये रहेगा क्या मालूम है, हम लोग का प्रेडिक्शन ये रहेगा, इधर से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए, इधर से लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आता है ये मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए, राइट? यस। बट उन्होंने क्या किया बच्चा, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैग्नेटिक पोल्स का बात आता है, उसके लिए उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट रखा है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस, उन्होंने बोला कि जब मैं मैग्नेटिक नीडल को रखता हूं, मैग्नेटिक नीडल को जब रखूंगा, नीडल जिधर वर्टिकल होगा, वर्टिकल समझते हो? सपोज yes, इधर मैंने मैग्नेटिक नीडल रखा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल होगा लाइक दिस। ये हम लोग को नॉर्थ रहेगा, एंड ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा बच्चा? साउथ। समझ में आ रहा है? यस। क्योंकि ये साउथ पोल है ना, तो मैग्नेट नीडल का नॉर्थ इधर अट्रैक्ट होगा और वर्टिकल रुकेगा। वर्टिकल समझते हो ना बच्चा? ये अर्थ सरफेस है। अच्छा सुनो मेरे बच्चा, इतना तो आप विजुलाइज कर सकते हो ना, जब मैं इधर खड़ा हूं लाइक इधर हूं मैं सपोज राइट, एंड मैं ये पोजीशन पे हूं अभी उल्टा लाइक दिस, समझ में आ रहा है? yes,
तो डोंट यू थिंक सपोज इधर मैग्नेट का साउथ इधर आता है नॉर्थ इधर आता है तो मेरे को बताओ जब मैं इधर मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ डोंट यू थिंक ये नॉर्थ आएगा नीडल का इधर साउथ आएगा yes. तो बताओ yes. मैं सरफेस yes. का साथ देखूंगा सरफेस का साथ ये मैग्नेटिक नीडल कैसा रुका है वर्टिकल रुका है vertical. Yes. बच्चा समझ में आ रहा है वर्टिकल रुका है बराबर है बट जब मैं yes. इधर रखता हूँ डोंट यू थिंक इधर ये नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा इधर नॉर्थ होगा डोंट यू थिंक इधर भी वर्टिकल है मैग्नेट इधर भी वर्टिकल yes. 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 बच्चा ये सोचना पड़ेगा आपको क्योंकि आप इधर कड़े हो तो अल्टीमेटली ये आपको वर्टिकल दिखने वाला है सर सारी पोजीशन में वो वर्टिकल ही होगा ना कैसा होगा बच्चा अच्छा इधर रखूंगा तो कैसा रहेगा बताओ सपोज ये लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा जा रहे थे ऐसा ऐसा तो इधर रखूंगा तो लाइन्स ऐसा रहेगा ना बच्चा ये वाला हॉरिजॉन्टल ये नॉर्थ और साउथ आप इधर खड़े हो इधर तो बताओ आपको ये क्या दिखेगा वर्टिकल दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल दिखेगा हॉरिजॉन्टल खत्म ना बच्चा एंड इधर ऑब्वियसली ऐसा दिखेगा थोड़ी आपके लिए वर्टिकल है आप इधर खड़े हो तो बच्चा कुछ समझ में आ रहा है yes, yes. For example, मैंने इधर रखा नीडल सो नीडल कैसा रुकता है मतलब ऐसा रुकता है अभी मतलब ये नॉर्थ होगा ऑफकोर्स ये साउथ होगा लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा जा रहा है तो ऑब्वियसली इधर रखूंगा तो ऐसा रुकेगा ऐसा तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ होगा एंड ये क्या होगा बच्चा साउथ तो ऑब्वियसली इधर मैं कड़ा हूं तो मेरे को ये वर्टिकल नहीं रहेगा हॉरिजॉन्टल है इधर मैं कड़ा हूं तो हॉरिजॉन्टल है बट ये दो पॉइंट में ही वो ऐसा रुकेगा देखो ऐसा सो दिस इज गोइंग टू बी साउथ एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉर्थ बच्चा कुछ समझ में आया यस सर यस ठीक है मतलब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा मैं इधर कड़ा हूं तो आप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो नीडल जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में रुकेगा बच्चा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में मतलब पता है ना आपको ये जो नीडल जिधर भी मैं रखूंगा वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्शन दिखाएगा मतलब आपको वो पॉइंट में टेंजेंट बनाना पड़ेगा और वो टेंजेंट का डायरेक्शन में ही ये नीडल आएगा ऐसा यस क्लियर है बच्चा क्लियर है यस yes. ठीक है अभी ध्यान से सुनो जब मैं नीडल इधर रखा वो वर्टिकल हुआ इधर रखा वर्टिकल हुआ और इनका बीच में किधर भी रखूंगा वो ये दो पॉइंट में ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल होगा बट इनका बीच में ना वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा बीच में रहेगा बट एग्जैक्ट वर्टिकल तो इधर ही रहेगा क्लियर है यस यस ठीक है अभी मैग्नेटिक नीडल का बच्चा कौन सा पोल नीचे आ गया बताओ डोंट यू थिंक नॉर्थ पोल नीचे आया यस नॉर्थ पोल तो इसके लिए जो पोल को हम लोग बोलेंगे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या बोलेंगे बच्चा जियो मैग्नेटिक नॉर्थ जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मतलब ए पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड क्यों बोलेंगे क्योंकि इधर जब मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो उसका नॉर्थ पोल नीचे दिखता है या नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट द यू नो पॉइंट द सरफेस ऑफ अर्थ राइट यस यस तो इसके लिए इसका नाम क्या दिया दिया बच्चा मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो इसको हम लोग लिखेंगे एन मैग्नेटिक है तो ऑब्वियसली एम लिखेंगे बच्चा समझा यस सर बच्चा देखो कंफ्यूज मत हो एक्चुअली ये साउथ है बट इधर हम लोग साउथ नहीं लिखते हम लोग लिखते हैं कि जब मैं मैग्नेटिक नीडल लेके आता हूं तो नॉर्थ पोल मेरे को पॉइंट करता है नीचे इसके लिए मैंने उसका नाम जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा है बच्चा समझा यस सर यस अभी बताओ ये नॉर्थ पोल है बट इसका नाम क्या होगा क्योंकि जब मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूं इसका साउथ इसको पॉइंट करता है तो ये क्या होएगा जियो मैग्नेटिक साउथ पोल एग्जैक्टली बच्चा चलो इसको मैं शिफ्ट करता हूं ये साइड बिकॉज ये होगा जियोग्राफिक साउथ पोल तो आप इसको लिखेंगे ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एस जी है एंड ये ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी जियो मैग्नेटिक
कौन सा पोल बच्चा? साउथ पोल. साउथ पोल. साउथ पोल. क्या लिखेंगे इसको बच्चा? एस एम लिखेंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, अभी बताओ बच्चा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अर्थ का किधर से किधर है? साउथ से नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ. बच्चा जियो मैग्नेटिक साउथ पोल से जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. आई होप इट इज वेरी क्लियर. यस. ठीक है, बट आपको पता है इसका अंदर एक मैग्नेट जैसा है और उसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ टू साउथ है. किधर है बच्चा? नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियो मैग्नेटिक साउथ पोल के हिसाब से इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. आई होप इट इज वेरी क्लियर. यस. अभी अभी आप बोलेंगे सर इतना कंफ्यूज करने का क्या जरूरत था? बच्चे इसका कंफ्यूज करने की जरूरत यह था क्योंकि ये मैग्नेट इमेजिनरी है, तो हम लोग ने विजुअलाइज किया कि मैग्नेट है, तो अल्टीमेटली इधर तो मैग्नेट तो है ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या किया, मैग्नेटिक नीडल इधर नॉर्थ वर्टिकली दिखा रहे तो इसको नॉर्थ ले लिया, इधर साउथ दिखा रहे तो साउथ ले लिया. एंड अभी लाइन्स ऑफ फोर्स किधर से किधर जाएगा बच्चा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? समझ में आया सबको? यस सर. यस सर, एक बार बताओ ना बच्चा, मैग्नेट का हिसाब से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर होता है बच्चा? नॉर्थ टू साउथ होता है, बराबर है? यस. अब ये मैग्नेट इमेजिनरी है, तो अल्टीमेटली आप इसको भूल जाओ, यू अज्यूम दैट इधर कुछ भी नहीं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पोल जिधर मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो उसका नॉर्थ पोल ये मतलब सरफेस ऑफ द यू नो अर्थ को दिखाता है, मतलब नॉर्थ पोल विल पॉइंट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इसके लिए हम लोग क्या, एक तो दोनों मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल होना चाहिए, राइट? एंड वो दो ही पॉइंट में वर्टिकल होता है, एक इधर और एक इधर. एंड वर्टिकल होने के बाद नॉर्थ पोल सरफेस को पॉइंट करता है, उसको हम लोग जियो मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे. साउथ पोल पॉइंट करता है तो उसको जियो मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे, राइट? तो हमारा रेफरेंस यही होगा, ये पॉइंट जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये पॉइंट जियो मैग्नेटिक साउथ पोल. क्लियर है? Yes. Yes. अभी लाइन्स ऑफ फोर्स किधर जाता है बच्चा? जियो मैग्नेटिक साउथ पोल से जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. अर्थ के लिए, क्योंकि मैग्नेट में तो नॉर्थ टू साउथ जाता है क्योंकि ये मैग्नेट इमेजिनरी है, तो आपको अज्यूम कर रखे है ही नहीं है, तो ये जियो मैग्नेटिक नॉर्थ है, जियो मैग्नेटिक साउथ है, तो अल्टीमेटली लाइन्स ऑफ फोर्स साउथ टू नॉर्थ जाता है इधर. सो अर्थ मैग्नेटिक, द अर्थ इमेजिनरी है इसलिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. क्या बोल रहे बच्चा? ये लाइन तो फोर्स इमेजिनरी है इसीलिए साउथ टू नॉर्थ जाता है. नहीं नहीं बच्चा, अभी इधर साउथ टू नॉर्थ इसके लिए जाता है क्योंकि हम लोग ने रेफरेंस अंदर वाला अर्थ वाला अंदर वाला मैग्नेट से नहीं लिया, हम लोग रेफरेंस मैग्नेटिक नीडल से लिया है. यस. मतलब ये जो मैग्नेटिक नीडल इधर रखा तो नॉर्थ इधर दिखाता है, इसके लिए नॉर्थ ले लिया. इसको इधर रखा तो इधर साउथ दिखाता है, तो इधर साउथ ले लिया, राइट? तो इसका रेफरेंस में डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, बट इन रियलिटी इफ देयर वुड हैव बीन ए बार मैग्नेट उसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही होता. बट मैं इन दोनों का टर्म्स में बताना है तो मेरे को साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डाल रहा है. क्लियर है? यस. बच्चा पक्का समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? नो. ठीक है, द अर्थ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस किधर है बच्चे? डायरेक्ट साउथ टू नॉर्थ इज फ्रॉम जियो मैग्नेटिक साउथ पोल. जियो मैग्नेटिक साउथ पोल टू जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. Of course, in other words, ऐसा लिख सकता हूं, it is from SM to NM. SM to NM. बच्चा सबको समझ में आया? Any confusion? This is very important. And ये जो है ना बच्चा, ऐसा ऐसा जा रहा है ना, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब यही एक्सिस पे अर्थ रोटेट होता है. Like this, right?
क्लियर है? यस यस फाइन देन. सो ये कंप्लीट करो बच्चा, और इसका आगे जो टर्म्स है बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हिसाब से ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, देन जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोमैग्नेटिक साउथ, ये हम लोग ने डिनोट कर दिया डायग्राम में. कंप्लीट करो इसको. स्क्रीन ब्लर है. ब्लर है? एक मिनट देखते रुको. नो सर. क्लियर? नहीं बच्चा क्लियर है. हुआ बच्चा सबका? यस सर. यस सर डन. नो सर. कर लो बच्चा कंप्लीट. I hope you समझ में आया. Now on the basis of this, we will discuss nine terms. Nine terms को discuss करेंगे. एक geographic axis, then geographic meridian, then geographic equator. उसके बाद magnetic axis, magnetic meridian, magnetic equator. So 3 + 3 6 हो गया और 3. For next is angle of declination discuss करेंगे. Then angle of inclination. And last horizontal component of earth magnetic field. So, हम लोग 9 terms को on the basis of this define करने वाले हैं. So, I repeat, geographic axis, geographic meridian, geographic equator, then magnetic axis, magnetic meridian, magnetic equator, then angle of inclination, angle of declination, and horizontal component of earth magnetic field. Right, bacha? So, that we will do it next time. Clear?